खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आपका आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर से। राजस्थान में कोरोना वायरस का बढ़ता जा रहा है ग्राफ। 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस सभी सामने आए। अकेले जयपुर में 8 नए पॉजिटिव केस सामने आए। दौसा, नागौर, टोंक, झुंझुनू में एक एक पॉजिटिव केस आया है। सुबह से अब तक 2 बजे की रिपोर्ट में 41 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ 1046 पहुंच चुका है। दौसा, नागौर, टोंक और झुंझुनू में जहां एक एक पॉजिटिव केस आया है, तो सबसे ज्यादा जयपुर में आए हैं। सुबह से अब तक 2 बजे तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें आज 41 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इस तरह पॉजिटिव मरीजों का जो ग्राफ है वो 1046 तक पहुंच चुका है। तो लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस अभी सामने आए हैं और इसके साथ ही कुल अगर सुबह से दोपहर 2 बजे तक की बात करें तो नए मामले सामने आने के साथ ही 1046 से कुल आंकड़ा पहुंच चुका है। 41 नए पॉजिटिव केस सुबह से अब तक सामने आ चुके हैं जिसके बाद ये आंकड़ा 1046 तक पहुंच गया। कल रात तक 1005 का ये आंकड़ा था जिसके बाद अब 2 बजे तक के आंकड़ों की बात करें 41 और नए केस सामने आए जिसके बाद ये कुल आंकड़े 1046 तक पहुंच चुका है। अकेले जयपुर में 8 नए पॉजिटिव केस अभी सामने आए हैं और इसके अलावा दौसा, नागौर, टोंक और झुंझुनू में एक एक पॉजिटिव केस सामने आया। तो कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 1046 तक पहुंच चुका है। हालांकि लॉकडाउन 2 जो कि 19 दिनों का रहेगा वो आज से शुरू हो चुका है। सख्ती की पालना करनी है। जिस तरह से जो गाइडलाइंस जारी हुई है वो 20 तारीख के बाद थोड़ी रियायतें जरूर मिलेंगी लेकिन 20 तारीख तक बेहद पैनी नजर केंद्र सरकार की भी है, राज्यों की भी जिम्मेदारी है जिसे निभाई भी जा रही है। लेकिन जिस तरह से संदिग्ध जो नजर आते हैं उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और अब 1046 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ग्राफ लगातार राजस्थान का बढ़ता जा रहा है, कल रात तक 1005 और अब 1046। बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से देखिए आपकी लगातार केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां पॉजिटिव केसों का दायरा बढ़ रहा है वहीं दूसरी ओर मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम बात करें पिछले 12 घंटे की, तो 12 घंटे में कुल 41 केस जो नए सामने आए, उनमें से हाल ही में जो 2 बजे की रिपोर्ट आई है उसमें कुल 12 केस है जो नए पॉजिटिव आए, जिनको मिलाकर के अब आजाद के अंदर कुल 41 केस पॉजिटिव सामने आ गए हैं। इसके साथ ही राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ जो है वो बढ़कर 1046 हो गया है। जी चलिए, शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल 1046 के आंकड़े तक पहुंच चुका है राजस्थान।